मेरा नाम आयत साथ मीरा और मैं किड्स किंगडम से बिलोंग करती हूँ। और आज यहाँ पे कम्युनिटी हॉल में हमारा प्रोग्राम था कल्चर का, और मैंने इससे पहले बहुत जगह पार्टिसिपेट किया है, पर हम एल जी सर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हाँ अकेडमी होनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ अकेडमी नहीं है तो बच्चे डांस नहीं सीख पाते हैं, ज़्यादातर बच्चे स्कूल से ही सीखते हैं, हमने भी स्कूल से ही सीखा है। सिमरन शर्मा, हम भैदर वाटकर पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ पे हमने लद्दाखी डांस किया, हमारे हम अटकार स्कूल से आए थे, हमें उन्होंने लद्दाखी डांस सिखाया था, बहुत अच्छा था। कब से आप लोग पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे एकेडमी नहीं है। अगर यहाँ पे एकेडमी होती तो हम अच्छे से, हम आईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम यहाँ पर एक एकेडमी बनाए, ताकि हम अपना परफॉर्मेंस, हर बच्चे में टैलेंट होता है, किसी में डांसिंग सिंगिंग, तो अगर एकेडमी होगी तो हम अच्छे से उसमें हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। हमारा स्कूल है, हर जगह पर पार्टिसिपेट करता है, हम अपने चेयरमैन सर थे सबका, पुलिस जिसने ऑर्गेनाइज़ किया था प्रोग्राम उनका थैंक्स करते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। आगे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हम चाहते हैं, कहना चाहेंगे कि एक एकेडमी बनाए, क्योंकि हमें डांस के लिए कोई हमारा कोच नहीं होता है जो हमें सिखा सके, ये करवा सके, तो एक एकेडमी होगी, वहाँ पे हम कुछ सीखेंगे तो हम आगे ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे हर जगह पे, आगे जैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम कर सकेंगे। यूट्यूब के थ्रू थोड़ा बहुत यूट्यूब से स्टेप्स लिए खुद अपने माइंड से, कुछ टीचर्स थे हमारे, उन्होंने सिखाया। जैसे आपको पता है हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम की जो सीरीज चल रही है उसमें काफ़ी सारे हमने स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट भी करवाए हैं, हमने मैराथन भी कराया है, वॉलीबॉल फुटबॉल जो मैच है वो भी करवाए हैं। इसी सिलसिला में हमारा कोशिश रहती है जेएंडके पुलिस की कि उसमें कल्चर प्रोग्राम भी जो है वो भी करवाया जाए। इसी कल्चर प्रोग्राम के तहत हमने आज डोडा का जो कुछ स्कूल हैं, भद्रवाह के स्कूल हैं, उनको इन्वाइट किया था, उन्होंने भरपूर इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत से लोगों ने ग्रुप डांस किया, ग्रुप सॉन्ग गाए, सोलो डांस किया, सोलो सॉन्ग भी गाए, और बड़ी भरपूर तरीके से उनको तैयारी कराई उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचरों ने, उनके स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उन्होंने, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है। जी हाँ, हमारी कोशिश रहती है कि यूथ को नशा या समाज की जो और छोटी मोटी बुराइयाँ हैं उनसे दूर रखा जाए, सोसाइटी को, यूथ और जो टीचर हैं और पेरेंट्स को साथ लेके सोसाइटी को क्राइम फ्री किया जाए, वो हमारी कोशिश पूरी रहती है। ये एक हम प्लेटफॉर्म देते हैं, हमारा एक आपको, आप जैसे जानते हैं हमारा एक प्रोग्राम होता है जेएंडके पुलिस का छूना है आसमान, उसके लिए भी एक ये प्लेटफॉर्म मिलता है, बच्चे आते हैं अपना टैलेंट शो करते हैं, दूर दराज के गांव से आते हैं, उनको हम मौका देते हैं वो यहाँ अपना टैलेंट शो करें, चाहे डांस का हो चाहे सिंगिंग का हो, और वो अपना आगे कैरियर में वो चीज़ कैरी कर सकें। जी हाँ, सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेंगे, चाहे कल्चर प्रोग्राम हो चाहे स्पोर्ट्स के हों। आगे आने वाले दिनों में हम एक डोडा किश्तवाड़ रामन रेंज का एक प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच भी कराने जा रहे हैं, इसके अलावा हमारा एक रेसलिंग का कंपटीशन भी होगा, वो भी डोडा में हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये जो प्रोग्रामों का सिलसिला है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत, ये चलता रहेगा।